मेरे दोस्त कैसे हो आप लोग। मेरे दोस्त अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मेरे दोस्त अपने आप से एक बात कहना कि आग लगी है सीने में, कुछ करने का कुछ बनने का। आग लगी है सीने में, कुछ करने का कुछ बनने का। हुनर और हौसला रखता हूँ जिगरे में यूट्यूबर बनने का। एक यूट्यूबर की जर्नी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब उसकी वीडियो पर व्यूज नहीं आते तो दिल से केवल एक ही आवाज निकलती है कि यूट्यूब छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरे दोस्त उसका दिमाग कहता है कि दूसरे टॉपिक पर वीडियो बना कर देख, शायद उस पर व्यूज आ जाए। लेकिन मेरे दोस्त आपको भी पता है ऐसा नहीं होता। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने से भी व्यूज नहीं आते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आपका भी दिल करता है यूट्यूब छोड़ने का तो मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त कई लोग मिलेंगे जो नए यूट्यूबरों की बुराई करते हैं, लेकिन मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि मेहनत अभी जारी है, जल्दी आगे जाएंगे। लोग आंख फाड़ कर देखेंगे, ऐसा यूट्यूबर बन के दिखाऊंगा। एक यूट्यूबर की जिंदगी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त कान खोलकर सुनिएगा। मेरे दोस्त कभी कभी दिल करता है कि भिखारी बन जाओ, लेकिन यूट्यूबर कभी मत बनना, क्योंकि कई सपने लेकर एक उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं लेकिन मेहनत बेकार जाती है। उस वीडियो पर 10 व्यूज भी नहीं आते हैं तो मेरे दोस्त एक यूट्यूबर से पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। और जो कुछ कमी रह जाती है उसे लोगों के ताने भर देते हैं। फिर भी मेरे दोस्त जीवन में एक बात याद रखना कि इस दुनिया ने जिस पर हंसा है उसी ने अपने दम पर इतिहास रचा है। मेरे दोस्त आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक किसान की जो कुआ खोद रहा होता है। अब वो किसान जैसे ही 25 से 30 फीट गड्ढा खोदता है तो उसे पानी नहीं मिलता तो वो हताश हो जाता है। अब ऐसे में किसान लोगों की सुनने लग जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पानी नहीं है, तू और दूसरी जगह गड्ढा खोद, शायद वहां पर पानी निकल जाए। तो किसान क्या करता है कि दूसरी जगह गड्ढा खोदता है और वहां पर 25 से 30 फीट गड्ढा खोद देता है, लेकिन उसे वहां पर भी पानी नहीं मिलता। अब वो किसान गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है, वो भी और कई स्थान बताता है और किसान वहां पर भी 25 से 30 फुट गड्ढा खोद देता है लेकिन उसको वहां पर भी पानी नहीं मिलता। अब उस किसान ने पानी का पता सबसे पूछने लगा। सभी ने जहां जहां पर बताया उस किसान ने वहां वहां पर गड्ढा खोदा और 25 से 30 फीट गड्ढा खोदा, लेकिन उसके बावजूद उसे पानी नहीं निकला। अब किसान थक जाता है। अब इतने में ही मेरे दोस्त जिन लोगों ने किसान को रास्ता बताया
वही लोग किसान का मजाक उड़ाने लगे कि तेरे हाथ में, तेरी किस्मत में पानी नहीं है, तेरा हाथ जहां पर लगता है वहां से पानी गायब हो जाता है। ऐसा वो लोग कहने लगे जिन लोगों पर उस किसान ने भरोसा कर कर कई गड्ढे खोद डाले। अब किसान को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अब किसान इस बार क्या करता है कि उसने दिल की सुनना शुरू किया, दिल की इस बात को अपनी जिद में ला दिया। अब किसान पहुंचता है उस गड्ढे पर जो उसने स्टार्ट में ही खोदा था और बोलता है कि तुझी में से पानी निकालूंगा, चाय में खोदते खोदते पाताल क्यों ना चले जाऊं, लेकिन पानी निकालूंगा तो तेरे ही अंदर से। अब वो किसान अपनी इच्छा को अपने जिद में परिवर्तित कर दिया और वो गड्ढा खोदता गया। 35 फीट गड्ढा खोदा, 40 फीट खोदा, 45 फीट खोदा और 50 फीट खोदने के बाद उसे पानी मिल जाता है। अब जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे वो लोग देखिए अब कैसे बदलते हैं। अब उसकी वो तारीफ करने लगे कि तेरे हाथों में तो जादू है, तूने तो बंजर जमीन से पानी निकाल दिया। मैं जानता था तू बहुत अलग है, तेरे अंदर कुछ ना कुछ बात है, तू तेरे अंदर कुछ ना कुछ कला है, तू बंजर जमीन से भी पानी निकाल सकता है। ऐसा वो लोग बोलने लगे। मेरे दोस्त, आप इस कहानी से सीख सकते हैं कि आपका भी दिल करता है कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, मैं किस कैटेगरी में वीडियो बनाऊं, मैं किसकी तरह वीडियो बनाऊं कि मेरी वीडियो वायरल चली जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस दिन आप किसान की तरह सोचोगे, अपने दिल की इच्छा जिस कैटेगरी में वीडियो बनाने की है उसे अपनी जिद में परिवर्तित कर दो कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसी कैटेगरी पर बनाऊंगा कि ये मेरा इंटरेस्ट का है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक साल बाद आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। और जिस दिन आपकी वीडियो बढ़िया हुई, उस वीडियो में दम हुआ, तो मेरे दोस्त उस दिन आपको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जो एक दिन में ही वायरल हो गया? ऐसा कौन सा यूट्यूबर है जिसने पहला ही वीडियो बनाया और उसका पहला ही वीडियो वायरल हो गया? मेरे हिसाब से शायद ऐसा कोई नहीं। हर एक बंदा धीरे धीरे आगे बढ़ा है लेकिन एक दिन जरूर सफल हुआ है। इसी तरह आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक दिन जरूर सफल होंगे। तो मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।